Hello, students. Today we are going to start new chapter in English literature. Chapter number four, Game on, and section two, Be a sport. Okay. Gilli danda is a street game played in rural areas and small towns all over South Asia, Cambodia, Turkey, and Italy. The game is played with two sticks, a large one called a danda, which is used to hit a smaller one, the gilli. दिस शॉर्ट स्टोरी इज अडोप्टेड फ्रॉम अ स्टोरी बाय द फेमस इंडियन ऑथर प्रेमचंद्र इसमें यह गिल्ली डंडा गेम पर आधारित ये स्टोरी है जो कि प्रेमचंद के स्टोरी से ली गई है ठीक है शॉर्ट स्टोरी से और एक में दो स्टिक्स लगते हैं एक छोटी जिसको गिल्ली कहते हैं एक बड़ी जिसको डंडा कहते हैं नाउ कम टू द चैप्टर आई कंसीडर गिल्ली डंडा द किंग ऑफ ऑल स्पोर्ट्स इवन नाउ वन एवर आई सी बॉयज प्लेइंग गिल्ली डंडा आई हैव अ ग्रेट डिजायर टू जॉइन दैम यू डोंट नीड अ लॉन अ अकॉर्ट अ नेट और एनी अदर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट जस्ट क्लाइंब अ ट्री कट अ ब्रांच मेक अ गिल्ली एंड इवन इफ देर आर ओनली टू ऑफ यू यू कैन स्टार्ट प्लेइंग इसमें स्पीकर कह रहे हैं कि इन्हें गिल्ली डंडा खेलना बहुत ही अच्छा लगता है इन्हें लगता है कि सबसे अच्छा गेम है ये और इस क्योंकि इसके लिए किसी लॉन कोट या नेट किसी भी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की व एक्सपेंसिव मतलब तो किसी भी महंगे सामान की जरूरत नहीं पड़ती है बस नॉर्मली आप पेड़ पर पे चढ़िए उसकी ब्रांच काटिए एक छोटी जो कि गिल्ली रहेगी एक बड़ी जो कि डंडा रहेगा और आप इसमें दो लोग भी खेल सकते हैं अगर आप सिर्फ दो लोग हैं तो एज अ बॉय आई स्पेंट मैनी हैप्पी एब्जॉर्बिंग आर्स प्लेइंग दिस गेम स्पीकर ने भी बहुत ही अच्छे आ, ये गेम खेले हैं बहुत अच्छे से और एक अच्छा टाइम बिताया है इसके साथ एमंग माई फेलो प्लेयर्स वॉज अ बॉय नेम्ड गया ए ही वॉज टॉल एंड थिन विद द लॉन्ग सपल फिंगर्स ऑफ ए मंकी एंड विद द मंकीज़ निबलनेस एंड अनसर्टेन टैंपर इसमें इसका एक दोस्त था गया जो कि बहुत ही लंबा था ठीक है और इसके उंगलियाँ बहुत लंबी थी ये मंकी की तरह एकदम निम्बलनेस मतलब एकदम फ्लैक्सिबल था और एकदम चढ़ हुआ जाता था और इसके अंदर गुस्सा भी था वॉट एवर द शेप ऑफ द गिली ही वुड पॉन्स ऑन इट द वे लिजार्ड पॉन्स ऑन एन इंसेक्ट कोई भी कितना भी मोटा गिल्ली हो वो हमेशा बहुत तेज मारता था ऐसे कि जैसे लिजार्ड छपट्टा मारती थी इंसेक्ट पर ऐसे ही आई डिडेंट नो वेयर गया लिव्ड हाउ ही लिव्ड और हु पेरेंट्स वर बट ही वॉज द अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन ऑफ आवर गिल्ली क्लब विच एवर साइड ही प्लेटफॉर वॉज बाउंड टू विन उसे नहीं पता था गया कहाँ रहता है गया के पेरेंट्स कौन हैं वो कौन है लेकिन वो इस गिल्ली डंडा का चैम्पियन था बहुत ही अच्छा खेलता था और वो जिसके साइड भी खेलता था वो टीम जीत जाती थी वन डे ओनली गया एंड आई प्लेइंग ही वॉज बैटिंग आई वॉज़ फील्डिंग एक दिन गया और स्पीकर सिर्फ खेल रहे होते हैं ठीक है और वो बैटिंग कर रहा होता है और स्पीकर फील्डिंग कर रहा है इट वॉज़ स्टेन एट वन कुड स्पेंड द होल डे बैटिंग वो पूरा दिन बैटिंग करता है बट इवेन अ मिनट ऑफ फील्डिंग सीम्ड अक्षम ठीक है लेकिन एक भी मिनट के लिए क्या वो बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होता बिल्कुल भी परेशान नहीं होता है ठीक है लेकिन आई ट्राइड ऑल मीन्स इंक्लूडिंग फॉल वंस विच एट सच टाइम सीम्ड परमिसेबल टू पुट एन एंड to my fielding, but Gaya would not let me go until I had got him out. Gaya उसको जाने नहीं देता है जब तक वो out नहीं कर देता है When all my attempts to wriggle out of fielding failed, जब उसके सारे भी मतलब जो पैतरे होते हैं खेलने को वो out नहीं कर पाता है fail होता है I try I try to run home. वो सोचता है कि मैं घर भाग जाता हूँ Gaya caught hold of me and said fiercely, "Let me कम्प्लीट माई टर्न बिफोर यू गो यू बैटेड विद ग्रेट गस्टो वैन इट सी योर टर्न टू फील्ड वाई आर यू रनिंग अवे वो जब घर भागने की कोशिश करता है तो गया उसको कस के पकड़ता है उसको फोर्सली बोलता है कि तुम ऐसे गेम को छोड़ के नहीं जा सकते हो तुम्हें पहले मेरे को गेम खिलाना होगा जब तुम्हारा बैटिंग का चांस था तुमने तो बहुत अच्छे से बैटिंग किया और अब ये तुम्हारी फील्डिंग करने का टर्न है तो तुम घर क्यों भाग रहे हो इफ़ यू बैट द होल्ड डे डू यू एक्सपेक्ट मी टू गो ऑन फील्डिंग द होल्ड डे उसने कहा कि जब तुम पूरे दिन बैटिंग कर रहे हो तो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं पूरे दिन बिल्डिंग करूँ फील्डिंग करूँ या साइड टू कांच आई इवन गो होम टू ई ईट और ड्रिंक उसने कहा कि ठीक है मैं करूँगा लेकिन क्या मैं घर जाने uh, कुछ खाने पीने के लिए घर नहीं जा सकता नो नो टिल माई टर्न इज ओवर जब तक मेरा टर्न ओवर नहीं होगा तुम नहीं जा सकते आई एम गोइंग होम लेट सी हाउ यू स्टॉप मी उसने कहा नहीं मैं घर जा रहा हूँ देखता हूँ तुम कैसे मुझे रोकते हो हाउ विल यू गो होम गया बोलता है कैसे घर जाओगे तुम डू यू थिंक दिस इज़ अ जोक आई गेव यू योर टर्न नाउ आई विल टेक माइंड उसने कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ मैंने तुम्हें तुम्हारा टर्न दिया अब ये मेरा टर्न है ऑल राइट येस्टरडे आई गेव यू अर गोवा इट गिव इट बैक टू बी उसने कहा ठीक है कल मैंने तुम्हें गोवा दिया था अब मुझे उसको वापस करो इट हैज़ गॉन इन टू माई स्टमक गया बोलता है कि वो मेरे पेट में जा चुका है टेक इट आउट देन वाई डिड यू ईट माई गोवा उसने कहा उसको बाहर निकालो तुमने मेरा गोवा क्यों खाया यू गेव इट टू मी सो आई एट इट आई डिडोट आस्क यू फॉर इट उसने बोला कि मैंने तुमने मुझे दिया मैंने उसे खा लिया यू कान्ट हैव योर टर्न टिल योर रिटर्न माई गोवा उसने कहा जब तक तुम्हारी टर्न नहीं आएगी तब तक तुम मेरा गोवा नहीं लौटाओगे मुझे आई ट्राई टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम गोवाज ग्रास बट ही हेल्प ऑन टू मी स्पीकर uh, सोच रहा होता है कि मैं इसको गुआवा की बातों से फंसा लेता हूँ और ये मुझे जाने दे बट ऐसा नहीं हुआ आई शाउटेड एट हिम वो चिल्लाया ही शाउटेड एट मी इन टर्न वो दोबारा वो भी चिल्ला दिया ही हिट मी विद हिज डंडा एंड आई होल्ड वो उसको डंडे से मारता है और फिर वो चिल्लाने लगता है गया कुड नॉट मैच दिस वीपन ऑफ माइंड ही टुक टू हिज हील्स आई प्रॉम्प्टली वाइब माई आईज फॉर गॉड द ब्लो आई हैड रिसीव्ड एंड रैन होम लाफिंग उसके बाद गया उसको छोड़ देता है उसको इस हथियार पे वो जब चिल्लाने लगता है रोने लगता है तो गया उसको छोड़ देता है इसके बाद वो अपने आँसू वगैरह पोसता है और हंसते हुए घर चला जाता है सोन आफ्टर दिस इंसिडेंट माई फादर वॉज ट्रांसफर टू अनदर टाउन इन द एक्साइटमेंट ऑफ गोइंग टू अ न्यू प्लेस आई कॉइट फॉग माई ओल्ड प्लेमेट्स इस इंसिडेंट के कुछ ही दिनों बाद उसके फादर का ट्रांसफ़र हो जाता है और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं और जाने के एक्साइटमेंट में वो अपने सभी पुराने दोस्तों को जिनके साथ वो खेलता था उन सभी को भूल जाता है ट्वेंटी years वेंट by. आई क्वालिफाइड एज एन इंजीनियर वाइल touring the द डिस्ट्रिक्ट आई अराइव्ड बाई चांस इन द सेम स्मॉल टाउन डेट आई हैड लिव्ड इन एज अ चाइल्ड इसका ट्वेंटी ईयर्स बीत चुके हैं और वो अब इंजीनियर क्वालिफाई कर चुका होता है और उसको वापस से उसी डिस्ट्रिक्ट में जाना होता है जिस डिस्ट्रिक्ट में वो बचपन में रहा था जहाँ वो गिल्ली डंडा खेल रहा होता है आई स्टेड इन द ड बैंगलो वो डैक बैंगलो में रह रहा होता है ईगर टू ब्रिंग बैक ओल्ड मेमोरीज आई वेंट आउट फॉर अ वॉक बट वॉज डिसअपॉइंटेड हाउ द ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ माई चाइल्ड हुड हैड चेंज वो क्या करता है ऐसे वॉक पर बाहर निकलता है और वो देखता है कि उसका जो बचपन है वो पूरी तरीके से जहाँ बीता था वो पूरा एकदम बदल चुका है हाउ द ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ माई चाइल्ड हुड हेज़ चेंज उसके जो चाइल्ड हुड था ब्यूटीफुल वो सब बदल चुका है सडनली आई सॉ टू और थ्री बॉयज़ प्लेइंग गिल्ली डंडा इन एन ओपन स्पेस नियर बाय वो पास में ही देखता है कि कुछ बच्चे जो है वो गिल्ली डंडा खेल रहे होते हैं थोड़ा सा ओपन स्पेस होता है वहाँ पर फॉर अ सेकेंड आई कम्प्लीटली फॉगआउट माई सेल्फ कुछ देर के लिए वो अपने आप को पूरी तरीके से भूल जाता है आई वेंट अप टू वन ऑफ द बॉयज़ एंड सेड टेल मी डो डज अ मैन नेम्ड गया लिव हेयर समवेयर वो एक बॉय के पास जाता है कहता है क्या यहाँ पर कोई गया रहता है और वो यहाँ पर रहता है यू मीन गया द ग्रूम आज टू द बॉय टिमिडली बॉय तुरन कहता है क्या तुम गया को पूछ रहे हो जो ग्रूम है ग्रूम मतलब एक ऐसे नॉर्मल पर्सन जो कि हॉर्स वगैरह की, की देखभाल करता है यहाँ पे वो कहने का मतलब यस आई थिंक सो आई रिप्लाइड कैन यू कॉल हिम फॉर अ मिनट उसने कहा हाँ मुझे लग रहा है ये वही है क्या तुम तो उसको एक मिनट के लिए बुलाओगे थैंक यू स्टूडेंट्स इसके आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में